मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें एन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब जैसे कोई भी अपने NaCl या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन गया। इसमें एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या NaCl प्रेजेंट हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम क्या, और उसका टोटल कंडक्टेंस मान लो सी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज अ, है ना, मोलर कंडक्टेंस। यानी अगर इसका एक मोल ले लेते हैं तो एक मोल की जो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस, इसको कहेंगे मोलर कंडक्टेंस। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस को निकालने के लिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी 1 ml द्वारा जो मिल रही है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर के लिए मिल जाएगा, और वी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर्स में, तो ये आपको कितने वॉल्यूम द्वारा कंडक्टिविटी मिल रही है वो मिल जाएगी, और उसको डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है तो आपको मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। और एन बाई वी को हम सब जानते हैं मोलरिटी बोलते हैं, तो इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं मोलरिटी। तो इसका फॉर्मूला बन के आया था मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ठीक है, इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।